बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान बड़ा रहम वाला है। काफ हा या ऐन स्वाद, ये उस रहमत का जिक्र है जो आपके रब ने अपने बंदे जकरिया पर की, जब उसने अपने रब को छुपी आवाज से पुकारा। जकरिया ने कहा, ए मेरे रब, मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं और सर के बालों में सफेदी फैल गई है, और ए मेरे रब, मैं आपसे मांगकर कभी महरूम नहीं रहा, और मैं अपने बाद रिश्तेदारों की तरफ से अंदेशा रखता हूँ, और मेरी बीवी बांझ है, बस मुझको अपने पास से एक वारिस दीजिए जो मेरी जगह ले, और आले याकूब की भी, और मेरे रब उसको अपना पसंदीदा बनाइए। ए ज़करिया, हम तुमको एक लड़के की बशारत देते हैं जिसका नाम याह्या होगा। हमने उससे पहले उस नाम का कोई आदमी नहीं बनाया। उसने कहा, ए मेरे रब, मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा जबकि मेरी बीवी बांझ है और मैं बुढ़ापे की इंतहा दर्जे को पहुंच चुका हूँ। जवाब मिला कि ऐसा ही होगा। आपका रब फरमाता है कि ये मेरे लिए आसान है, मैंने इससे पहले आपको पैदा किया हालांकि आप कुछ भी न थे। ज़करिया ने कहा, ए मेरे रब, मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर कर दीजिए। फरमाया कि आपकी निशानी ये है कि आप 3 शब व रोज लोगों से बात ना कर सकोगे हालांकि आप तंदुरुस्त रहोगे। फिर ज़करिया मेहराब इबादत से निकलकर लोगों के पास आए और उनसे इशारे से कहा कि तुम सुबह व शाम अल्लाह की पाकी बयान करो। ए यहया, किताब को मजबूती से पकड़ो, और हमने उसको बचपन में ही दीन की समझ अता की और अपनी तरफ से उसको नरम दिली और पाकीज़गी अता की, और वो पारहेज़गार थे और अपने वालदेन के खिदमत गुजार थे, और वो सरकश और नाफरमान न थे, और उस पर सलामती है जिस दिन वो पैदा हुआ और जिस दिन वो मरेगा और जिस दिन वो जिंदा करके उठाया जाएगा। और किताब में मरियम का जिक्र कीजिए जबकि वो अपने लोगों से अलग होकर शर्की मकान में चली गई। फिर उसने अपने आप को उनसे पर्दे में कर लिया। फिर हमने उसके पास अपना फरिश्ता भेजा जो उसके सामने एक पूरा आदमी बनकर जाहिर हुआ। मरियम ने कहा, मैं तुझसे खुदाए रहमान की पनाह मांगती हूँ कि अगर तू अल्लाह से डरने वाला है। उसने कहा, मैं आपके रब का भेजा हुआ हूँ ताकि आपको एक पाकीज़ा लड़का दूँ। मरियम ने कहा, मेरे पास लड़का कैसे होगा जबकि मुझको किसी आदमी ने नहीं छुआ, न मैं बदकार हूँ। फरिश्ते ने कहा कि ऐसा ही होगा। आपका रब फरमाता है कि ये मेरे लिए आसान है, और ताकि हम उसको लोगों के लिए निशानी बना दें और अपनी जानिब से एक रहमत, और ये एक तयशुदा बात है। बस मरियम ने उसका हमल उठा लिया और वो उसको लेकर एक दूर जगह चली गई। फिर दर्देजा उसको खजूर के दरख्त की तरफ ले गया। उसने कहा, काश मैं इससे पहले मर जाती और भूली बिसरी चीज हो जाती। फिर मरियम को उसने नीचे से आवाज दी कि गमगीन न हो, आपके रब ने आपके नीचे एक चश्मा जारी कर दिया है, और आप खजूर के तने को अपनी तरफ हिलाइए, उससे आपके ऊपर पकी हुई खजूरें गिरेंगी, बस खाओ और पियो और आंखें ठंडी करो। फिर अगर तुम कोई आदमी देखो तो उससे कह दो कि मैंने रहमान का रोजा मान रखा है, तो आज मैं किसी इंसान से नहीं बोलूंगी। फिर वो उसको गोद में लिए हुए अपनी कौम के पास आई। लोगों ने कहा, ए मरियम, तुमने तो बड़ा तूफान कर डाला। ए हारून की बहन, न तुम्हारा बाप कोई बुरा आदमी था और न तुम्हारी माँ बदकिरदार थी। मरियम ने उस बच्चे की तरफ इशारा किया। लोगों ने कहा कि हम इससे कैसे बात करें जो कि गोद में बच्चा है। बच्चा बोला, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी और मुझको नबी बनाया,
और मैं जहाँ कहीं भी हूँ उसने मुझको बरकत वाला बनाया है और उसने मुझको नमाज और ज़कात की ताकीद की है जब तक मैं जिंदा रहूं और मुझको मेरी माँ का खिदमत गुजार बनाया है और मुझको सरकश व बदबख्त नहीं बनाया है और मुझ पर सलामती है जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मैं मरूंगा और जिस दिन मैं जिंदा करके उठाया जाऊंगा। यह ईसा इब्न मरियम सच्ची बात जिसमें लोग झगड़ रहे हैं। अल्लाह ऐसा नहीं कि वो औलाद बनाए, वो पाक है। जब वो किसी काम का फैसला करता है तो कहता है कि हो जा, तो वो हो जाता है। और बेशक अल्लाह मेरा रब है और तुम्हारा भी रब है, बस तुम उसकी इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। फिर उनके फिरकों ने आपस में इख्तलाफ किया, बस इनकार करने वालों के लिए एक बड़े दिन के आने की खराबी है। जिस दिन लोग हमारे पास आएंगे वो खूब सुनते और खूब देखते होंगे, जिस दिन वो हमारे पास आएंगे। मगर आज जेल जालिम खुली हुई गुमराही में है। जो उन लोगों को उस हसद के दिन से डराइए, मामले का फैसला कर दिया जाएगा और वो गफलत में हैं और वो ईमान नहीं ला रहे हैं। बेशक हम ही जमीन और जमीन के रहने वालों के वारिस होंगे और लोग हमारी ही तरफ लौटाए जाएंगे। और किताब में इब्राहिम का जिक्र कीजिए, बेशक वो सच्चे थे और नबी थे। जब उसने अपने वालिद से कहा कि ए मेरे अब्बा, आप ऐसी चीज की इबादत क्यों करते हो जो न सुने और न देखे और न तुम्हारे कुछ काम आ सके। ए मेरे अब्बा, मेरे पास ऐसा इल्म आया है जो तुम्हारे पास नहीं है, तो तुम मेरे कहने पर चलो, मैं तुमको सीधा रास्ता दिखाऊंगा। ए मेरे वालिद, आप शैतान की इबादत ना करो, बेशक शैतान खुदाए रहमान की नाफरमानी करने वाला है। वालिद ने कहा, ए इब्राहिम, क्या तुम मेरे माबूदों से फिर गए हो? अगर तुम बाज ना आए तो मैं तुमको पत्थरों से मारूंगा और तुम मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाओ। इब्राहिम ने कहा, तुम पर सलामती हो, मैं अपने रब से तुम्हारे लिए बख्शिश की दुआ करूंगा, बेशक वो मुझ पर मेहरबान है। और मैं तुम लोगों को छोड़ता हूँ और उनको भी जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, और मैं अपने रब ही को पुकारूंगा। उम्मीद है कि मैं अपने रब को पुकार कर महरूम नहीं रहूंगा। बस जब वो लोगों से जुदा हो गया और उनसे जिनको वो अल्लाह के सिवा पूजते थे, तो हमने उसको इसहाक और याकूब अता किए और हमने उनमें से हर एक को नबी बनाया और उनको अपनी रहमत का हिस्सा दिया और हमने उनका नाम नेक और बुलंद किया। और किताब में मूसा का जिक्र कीजिए, बेशक वो चुने हुए थे और रसूल व नबी थे। और हमने उसको कोहे तूर की दाहिनी जानिब से पुकारा और उसको हमने राज की बातें करने के लिए करीब किया और अपनी रहमत से हमने उसके भाई हारून को नबी बनाकर उसे दिया। और किताब में इस्माइल का जिक्र कीजिए, वो वादे के सच्चे थे और रसूल व नबी थे और वो अपने लोगों को नमाज व ज़कात का हुक्म देते थे और अपने रब के नज़दीक पसंदीदा थे। और किताब में इदरीस का जिक्र कीजिए, बेशक वो सच्चे थे और नबी थे और हमने उसको बुलंद मर्तबे तक पहुँचाया। ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने पैगंबरों में से अपना फजल फरमाया, आदम की औलाद में और उन लोगों में से जिनको हमने नूह के साथ सवार किया था और इब्राहिम और इसराइल की नस्ल से और उन लोगों में से जिनको हमने हिदायत बख्शी और उनको मकबूल बनाया। उनको खुदाए रहमान की आयतें सुनाई जाती तो वो सिता करते हुए और रोते हुए गिर पड़ते। फिर उनके बाद ऐसे खलफ जानशीन हुए जिन्होंने नमाज को खो दिया और ख्वाहिशों के पीछे पड़ गए। बस बहुत जल्द वो अपनी खराबी को देखेंगे। अलबत्ता जिसने तौबा की और ईमान ले आया और नेक काम किया तो यही लोग जन्नत में दाखिल होंगे और
उनकी जरा भी हक तलफी नहीं की जाएगी। उनके लिए हमेशा रहने वाले बागात हैं जिनका रहमान ने अपने बंदों से गायबाना वादा कर रखा है और ये वादा पूरा होकर रहना है। उसमें वो लोग कोई फजूल बात नहीं सुनेंगे सिवाय सलाम के, और उसमें उनका रिज़्क सुबह और शाम मिलेगा। ये वो जन्नत है जिसका वारिस हम अपने बंदों में से उनको बनाएंगे जो अल्लाह से डरने वाले हों, और हम नहीं उतरते मगर आपके रब के हुक्म से। उसी का है जो हमारे आगे है, जो हमारे पीछे है और जो उसके बीच में है। वो आपका रब भूलने वाला नहीं, वो रब है आसमानों का और जमीन का और जो उनके बीच में है। बस आप उसी की इबादत कीजिए और उसी की इबादत पर कायम रहिए। क्या आप उसका कोई हम सिफत जानते हो? और इंसान कहता है कि क्या जब मैं मर जाऊंगा तो फिर जिंदा करके निकाला जाऊंगा? क्या इंसान को याद नहीं आता कि हमने उसको उससे पहले पैदा किया और वो कुछ भी न था? बस आपके रब की कसम, हम उनको जमा करेंगे और शैतानों को भी, फिर उनको जहन्नम के गिर्द इस तरह हाजिर करेंगे कि वो घुटनों के बल गिरे होंगे। फिर हम हर गिरोह में से उन लोगों को जुदा करेंगे जो रहमान के मुकाबले में सबसे ज्यादा असरकश बने हुए थे। फिर हम ऐसे लोगों को खूब जानते हैं जो जहन्नम में दाखिल होने के ज्यादा मुस्तहिक हैं, और तुम में से कोई नहीं जिसका उस पर से गुजरना हो। ये आपके रब के ऊपर लाजिम है जो पूरा होकर रहेगा। फिर हम उन लोगों को बचा लेंगे जो डरते थे और जालिमों को उसमें गिरा हुआ छोड़ देंगे। और जब उनको हमारी खुली खुली आयतें सुनाई जाती हैं तो इनकार करने वाले ईमान लाने वालों से कहते हैं कि दोनों ग्रहों में से कौन बेहतर हालत में है और किसकी मजलिस ज्यादा अच्छी है, और उनसे पहले हमने कितनी ही कौमें हलाक कर दी जो उनसे ज्यादा असबाब वाली और उनसे ज्यादा शान वाली थी। कह दीजिए कि जो शख्स गुमराह होता है तो रहमान उसको ढील दिया करता है यहाँ तक कि जब वो देख लेंगे उस चीज को जिसका उनसे वादा किया जा रहा है, आजाब या कयामत, तो उनको मालूम हो जाएगा कि किसका हाल बुरा है और किसका लश्कर कमजोर है। और अल्लाह हिदायत पाने वालों की हिदायत में इजाफा करता है, और बाकी रहने वाली नेकियां आपके रब के नजदीक अजर के एतबार से बेहतर हैं और अंजाम के एतबार से भी बेहतर हैं। क्या आपने उसको देखा जिसने हमारी आयतों का इनकार किया और कहा कि मुझको माल और औलाद मिलकर रहेंगे? क्या उसने गैब में झांककर देखा है या उसने अल्लाह से कोई अहद ले लिया है? हरगिज नहीं। जो कुछ वो कहता है उसको हम लिख लेंगे और उसकी सजा में इजाफा करेंगे, और जिन चीजों का वो मदई है उसके हम वारिस बनेंगे, और वो हमारे पास अकेला आएगा। और उन्होंने अल्लाह के सिवा माबूद बनाए हैं ताकि वो उनके लिए मदद बने। हरगिज नहीं। वो उनकी इबादत का इनकार करेंगे और उनके मुखालिफ बन जाएंगे। क्या आपने नहीं देखा कि हमने मुनकरों पर शैतानों को छोड़ दिया है? वो उनको खूब उभार रहे हैं। बस आप उनके लिए जल्दी ना करें, हम उनकी गिनती पूरी कर रहे हैं। जिस दिन हम डरने वालों को रहमान की तरफ मेहमान बनाकर जमा करेंगे और मुजरमों को जहन्नम की तरफ प्यासा हाँकेंगे। किसी को शफाअत का इख्तियार न होगा मगर उसको जिसने रहमान के पास से इजाजत ली हो। और ये लोग कहते हैं कि रहमान ने किसी को बेटा बनाया है। ये तुमने बड़ी संगीन बात कही है, करीब है कि उससे आसमान फट पड़े और जमीन टुकड़े टुकड़े हो जाए और पहाड़ टूटकर गिर पड़े। इस पे के लोग रहमान की तरफ औलाद की निस्बत करते हैं, हालांकि रहमान की ये शान नहीं कि वो औलाद इख्तियार करे। आसमानों और जमीन में कोई नहीं जो रहमान का बंदा होकर ना आए। उसके पास उनका शुमार है और उसने उनको अच्छी तरह गिन रखा है, और उनमें से हर एक कयामत के दिन उसके सामने अकेला आएगा। अलबत्ता जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए उनके लिए अल्लाह मोहब्बत पैदा कर देगा। बस हमने इस कुरान को आपकी जुबान में इसलिए आसान कर दिया है कि आप परहेजगारों को खुशखबरी सुना दें। और उनसे पहले हम कितनी ही कौमों को हलाक कर चुके हैं, क्या आप उनमें से किसी को देखते हो या उनकी कोई आहट सुनते हो? मज़ीद इस तरह की इस्लामी वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस्लामी चैनल को सब्सक्राइब करें।